It will take you 2,000 clients to reach $100,000 a year if you charge $50 per project. Imagine करो कि इस level को hit करने के लिए आपको 2,000 client चाहिए. अब खुद बताएं कितना मुश्किल में आप अपने आप को डाल रहे हैं by offering your services for $50. और it is crucial for you कि आप अपनी pricing बढ़ाएं so you can hit that six-figure mark by the end of the year. और इसके लिए मेरे पास 3 मुख्तलिफ suggestions हैं आपके लिए कि आप अपनी pricing किस तरह से बढ़ा सकते हो. So let's dive into the details. अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम शहजाद खान है. वेलकम टू द लैपटॉप लर्निंग चैनल. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी प्राइसिंग बढ़ाने के चक्कर में होंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा 2000 क्लाइंट हंट करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा प्राइसिंग बढ़ाओ. तो पहली चीज जो आपने करनी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर प्राइस इज टू थिंक ऑफ इट एज एन आरओ, फ्रॉम एन आरओआई पर्सपेक्टिव. वो किस तरह से होता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो क्लाइंट के लिए तो उसको उस पर आरओआई आ रहा है. सपोज करो आपने $50 का एड लगा और वो अच्छा कामयाब एड हुआ और क्लाइंट को $1,000 बने, तो ये 2000% आरओआई क्लाइंट को आ रहा है. अगर आप $100 ले लो उसको फिर भी 1000% का आरओआई आ रहा है. लिहाजा आपकी प्राइस बढ़ाने से मैटर ही नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट को फिर भी आरओआई तो आ ही रहा है और कितना हजारों में आ रहा है. तो ये चीज सोचनी है आरओआई पर्सपेक्टिव से. अगर आपने उसके लिए ईमेल लिखी है और उसको $15,000 की सेल हो गई है एक या तीन ईमेलों से, आप उसे $5 एक ईमेल के ले रहे हो यार, ख्याल करो. आप ये देखो कि उसको गेन क्या हो रहा है, उसको $15,000 हो, तो आप उसे अगर $500 मांग लो तीन ईमेलों के, उसको मौत आनी चाहिए. अगर आनी चाहिए तो वो एक इंतहाई कंजूस और गलत इंसान है जिसके साथ आपने लॉन्ग टर्म काम नहीं कर सकोगे और कोई फायदा नहीं है काम करने का. लिहाजा थिंक ऑफ थिंग्स एज एन फ्रॉम एन आरओआई पर्सपेक्टिव, ठीक है. दूसरा ये कि थिंक अबाउट द फैक्ट आप इस पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के लिए कितना आपको पैसे मिले तो आप खुशी खुशी करो. यूं सोचना, सपोज करो मैं आपसे कहूँ मुझे एड लिख, तो आप अपने आपसे पूछो कि यार मुझे कितने ये पैसे दे कि मैं इसका एड लिखूं तो मैं खुश होऊंगा. मैं कहता हूँ $500 मुझे दे दो, मैं आपका एड लिख दूंगा और खुशी खुशी लिख दूंगा और मुझे होगा यार मुझे पैसे मिले. तो जो फिगर जहन में आता है ना वही कोट. और यकीन जिस तरह के हम लोगों की सोसाइटी में फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में है, हम लोग बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगते. अगर कोई खुले पैसे भी मांग लोगे ना तो वो $100-$200 मांग लोगे, क्योंकि क्लाइंट के लिए फिर भी वारे आता है. क्यों? अगेन, क्योंकि हमने आरओआई की बात की है. तो ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, मुझे लवान ने बताई थी कि आपके दिल में जो भी आती है प्राइसिंग वो खुल के आप अपने क्लाइंट को बताओ और क्लाइंट के कोर्ट में बॉल डाल दो. एंड दे शुड नो योर वैल्यू एंड दे शुड नो दिस इज समथिंग दैट विल गेट देम आरओआई. क्योंकि देखो आप अमूमन लोग क्या करते हैं, दे टॉक टू पीपल जिनको कन्विंस करना पड़ता है कॉपी राइटिंग सर्विसेज के लिए. अगर किसी को कन्विंस करना पड़ रहा है ना आपको कि मेरी सर्विसेज ले लो, उससे काम नहीं करना, क्योंकि उसको आपकी कदर का नहीं पता, ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट तरीका. और अमूमन 95% ऑफ माय फेलो फ्रीलांसर्स एंड कॉपीराइटर्स इन पाकिस्तान आप ये करते हैं. अगर मोस्टली मिसाल के तौर पे आप एड लिखने के $10 लेते हैं मल्टीप्लाई बाय टाइम का, 95% ऑफ द टाइम दिस विल वर्क फॉर यू बिकॉज आप बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे हो ऑलरेडी. और ये उन लोगों के लिए जिनको काम आता है. अगर आपको काम ही नहीं आता फिर तो $100 मांग के अपना भी नुकसान करोगे क्लाइंट का भी करोगे. ये तो काम सीख लो, और काम जब सीख लो तो फिर एडमेंट हो जाओ जो भी रेट है उनको मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस इज हाउ यू डू. अच्छा, तीसरा जो आपको मैं ऑफर बताने लगा हूँ कि वो है यार अपना पैकेज बनाओ और हर चीज ही क्लाइंट को, बजाय एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करने के क्लाइंट्स को एक ट्रायल ऑफर दिया करो, यार $1,000 पर मंथ लूंगा और ये सारा काम करके दूंगा. और फिर उनको बता दो कि जी डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड ये अगले महीने $3,000 या $5,000 पर मंथ पे चला जाएगा. ये फिक्स्ड करो, रिटेनर्स पे लाओ अपने आप को, तभी आपकी इनकम सस्टेन होकर $1,00,000 तक जाएगी. ये छोटे मोटे एक आधा एड का कॉपी प्रोजेक्ट करके नहीं जाएगी कभी. अगर इमेजिन करो आपको सिर्फ 2 क्लाइंट चाहिए यार रिटेनर का, $5,000-$5,000 देने वाला, $10,000 पर मंथ पे आप हो, तो आप ये सिक्स फिगर्स वाला गोल अपना $1,00,000 वाला इजीली अचीव कर सकते हो. 2 क्लाइंट यार दुनिया में आपको चाहिए. हाँ, ये मैं इतना आसान नहीं होता 2 क्लाइंट वो लेना, उस पर आपको एफर्ट करनी पड़ती है. इसके ऊपर मैंने और वीडियोस भी बनाई है कि वो क्लाइंट का फ्लाई व्हील क्लाइंट हंटिंग कहां से करने हैं, वो आप देख सकते हैं, हाउ टू गेट टू योर $100,000 पर ईयर वाले गोल पे. तो दिस इज हाउ यू गो अराउंड विद दिस. और जाते जाते बोनस आपका शेयर करता चलूं, वो ये है कि क्रॉस सेल और अपसेल करना मत भूलें क्लाइंट्स को. मिसाल के तौर पर अपसेल की मिसाल दूं, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए एक एड लिखा है ना, उसे कह यार मैं 5 एड लिख के देता हूँ, खुल के टेस्टिंग करो, $500 फालतू दे, मिसाल के तौर पे अपसेल हो. या आपने उसके लिए लैंडिंग पेज लिखा है और आपने उसे कहा कि यार $500 का मैं लैंडिंग पेज लिख रहा हूँ सपोज करो, तो आप कहो यार उसको एड भी तो चाहिए होगा ना, उस पर एड नहीं चलाने, उसको एड अपसेल करो उसको. उसे कहो कि यार $100-$200 और दे, एड भी 4 लिख दूंगा. दिस इज हाउ यू अपसेल पीपल. अपसेलिंग इज अ गुड थिंग, अपसेलिंग इज अ राइट थिंग टू डू. ये पाकिस्तान में यार हमारी पता नहीं क्या साइकोलॉजी बनी हुई है, अपसेलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, यानी क्या करते हैं यार, अपना दिमाग खोलो तालों को. दुनिया कहां से कहां जा रही है, आप अभी इन चक्रों में फंसे हुए हो, अपसेलिंग ठीक है या नहीं, आप इन चक्रों में फंसे हुए हो,
हो कि $5 चार्ज कर रहे थे, छोड़ो उन चीजों को, ऊपर जाओ, मल्टीप्लाई बाय 10 करो। और क्रॉस सेलिंग भी आप कर सकते हो। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है, अगर सपोज करो आपको कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ एक स्किल का पेयर बना लो। ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, एड्स चलाना हो सकता है, या फनल बिल्डिंग करना हो सकता है। ये जब आप स्किल का पेयर बना लोगे तो यू कैन क्रॉस सेल। मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने कहा यार लैंडिंग पेज कॉपी लिख दो, आप कहोगे जी बिस्मिल्ला लिख देता हूँ। उस पर आप उसको करोगे अपसेल, $500 की लैंडिंग पेज कॉपी लिखूंगा, 300 फालतू दो, 3 ऐड भी लिख दूंगा। वो कहेगा ठीक है ऐड भी देता लिख दो, $800 हो गए। फिर आप उसको कहोगे क्रॉस सेल, इनकी जो ईमेल इकट्ठी हो रही है उनको मैं ईमेल्स भी आपको भेज दूंगा क्योंकि आपने ईमेल मार्केटिंग की स्किल ली। तो उससे आप उसको मंथली रिटेनर पे या कोई $1,000, $500 फालतू ले सकते हो, या कोशिश करके उसको फिक्स्ड मंथली रिटेनर पे ला सकते हो। तो ये क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग भी बहुत पावरफुल है और ये पाकिस्तान में कोई करता ही नहीं है, मैंने नहीं देखा किसी को सही तरह से करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ आप सही तरह से करेंगे। कोई भी सवाल, कोई भी कॉमेंट्स हो, नीचे कॉमेंट्स हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। ग्रुप ज्वाइन करें और नीचे उसका लिंक भी ऐड किया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में। आपसे मेरी मुलाकात होती रहा करेगी यूट्यूब पे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।